गुड मॉर्निंग आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। मैं अभिषेक और इस वक्त फ़िलहाल हूँ राजस्थान के रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और आज की हमारी यात्रा होने वाली है 12065 अजमेर दिल्ली सराय रोहिला जनशताब्दी एक्सप्रेस में। हालांकि इससे पहले भी मैं एक बार जर्नी कर चुका हूँ एंड टू एंड, लेकिन आज हमारी यात्रा होगी रिंगस से, जो कि फेमस है अपने खाटू श्याम जी टेम्पल के लिए। रिंगस जंक्शन से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खाटू श्याम जी महाराज जी का टेम्पल, और दिल्ली हरियाणा राजस्थान के कोने कोने हिस्से से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। स्टेशन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप जाकर टिकट बुक कर सकते हैं, और सामने एक अमूल की स्टॉल है। तो चलिए अब सीधा अंदर चलते हैं। तो अभी आप प्लेटफॉर्म पर रश देख सकते हैं, खाली इस जनशताब्दी में बोर्ड करने के लिए इस रेलवे स्टेशन से कितने पैसेंजर्स होंगे हैं, ऑलमोस्ट 1200 से 1500 पैसेंजर। WAP5 के साथ हमारी अजमेर जनशताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा रही है। इस रश को आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबल ये ट्रेन है और कितना प्रॉफिटेबल इसके लिए रेलवे स्टेशन है। 7:45 में हमारा डिपार्चर रिंगस जंक्शन से हो चुका है, ट्रेन का अगला स्टॉप नीम का थाना होने वाला है। के 20 मिनट हो रहे हैं और हम आ चुके हैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के नीम का थाना रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन के यहाँ टाइमिंग थी 8:20 और यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड की बात की जाए तो स्टेशन कोड इस रेलवे स्टेशन का है NMK, और यहाँ से ऑलमोस्ट 20 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं, और कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है, कोई भी यहाँ से टर्मिनेट नहीं होती है। और स्टेशन पर ऑलमोस्ट 200-300 पैसेंजर्स आके इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं और उतने ही ऑलमोस्ट यहाँ से उतरे हैं। क्या आप जानते हैं हर साल जब भी बजट आता है तो नीम का थाना के लोगों की एक डिमांड हमेशा से रहती है कि इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, लेकिन हर बार ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वो क्यों किया जाता है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप में से कोई यहाँ से है तो और वो वीडियो देख रहा है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों यहाँ के लोग डिमांड करते हैं इस चीज़ की। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर नारनौल रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की यहाँ टाइमिंग थी 8:58, 2 मिनट का हॉल्ट है मात्र यहाँ पे, और स्टेशन मात्र 2 प्लेटफॉर्म का है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ में लैग करता है। स्टेशन कोड है NNL। नारनौल फेमस है अपने पैलेसेस के लिए, आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हवेलीज वगैरह देखने को मिलेगा। बेहद ही शांत सा ये रेलवे स्टेशन है और हरियाली खूब है इस रेलवे स्टेशन पे। यहाँ के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं ना उनके ऊपर हरियाली बहुत है। ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है रेवाड़ी जंक्शन। समय से तकरीबन 10 मिनट पहले हम आ चुके हैं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
रेवाड़ी जंक्शन से एक लाइन चली जाती है लोहारों की तरफ, एक लाइन चली जाती है डायरेक्ट रिंगस की तरफ, एक लाइन चली जाती है जयपुर बांदीकुई होते हुए अजमेर की तरफ, और एक लाइन चली जाती है सीधा दिल्ली की तरफ। एक टाइम पे यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टीम लोको शेड हुआ करता था, और आज भी वो म्यूज़ियम बना के है। तो किसी दिन मैं आपको उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर से दिखाऊंगा। ट्रेन की यहाँ टाइमिंग थी 9:58, और यहाँ से इसका डिपार्चर होगा 10 बजे करेक्ट। और गर्मी काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रही है, हमें फ्रेस्का की मैंगो ड्रिंक ली है जिसका प्राइस हमें 20 रुपीज़ पड़ा है। हालांकि नॉर्मल मार्केट में इसका रेट आपको 15 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसका रेट ही 20 रुपीज़ लिखा है। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का सफ़र तय करके हम आ चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे, और आज का इस सफ़र को हम इसी रेलवे स्टेशन पे समाप्त करने वाले हैं। हालांकि ट्रेन आगे दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन तक जाएगी, लेकिन दिल्ली में इतनी गर्मी है दोस्तों, और यहां से घर भी मेरा बहुत ही पास में है, और मैंने अभी टेम्परेचर किया तो दिल्ली में 43 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए मेरे में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं बाहर से जाकर वीडियो को एंड कर पाऊँ, और मेरा थोड़ा कैमरा भी फ्लक्चुएट होने लगा था इतनी गर्मी के कारण। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में। रिमेंबर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको ये आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से फॉलो करिए। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और वीडियो में।